हाय फ्रेंड्स, आप सभी को मैं नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के जरिए, वो स्टॉक वार्म अप हो चुका है और ये भागने ही वाला है, या बोलिए उड़ने ही वाला है। तो ऐसा हम लोग कैसे समझें कि ये उड़ जाएगा, भाग जाएगा, और क्यों भागेगा? तो सबसे पहले इसके चार्ट को देखिए दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये स्टॉक लगातार हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनाते हुए चल रहा है, और अभी तकरीबन ये 4500 का हाई लगाया था, उसके बाद ये करेक्शन मोड में चल रहा था, अभी इसमें अपटिक देखने को मिल रहा है। तो क्या हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर जाएगा या भागने लगेगा? तो हम लोग कैसे जाने कि ये भागेगा या भागने वाला है? तो ऐसे कोई भी स्टॉक नहीं भागने वाला है दोस्तों, जब तक स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे रहेंगे, स्टॉक या कंपनी कंसिस्टेंट अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाएगी, कंसिस्टेंट इनके नेट प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, अच्छा मार्जिन से बिजनेस करेगी और अपने जो डेट लेवल है उसको काफ़ी कम रखेगी, तब ऐसी ही कंपनियों में लगातार हम लोगों को हायर हाई देखने को मिलता है, यानी कि ये बुलिश ट्रेंड में चलता हुआ देखने को मिलता है। तो जिस स्टॉक के चार्ट को हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, जिसके नाम की चर्चा हम लोग वीडियो के बीच में करेंगे कहीं पर, तो हम लोग सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये स्टॉक क्यों उड़ने वाला है। तो इसके लिए जो हम लोगों को इसके रिसेंट के रिजल्ट आए हैं दोस्तों, उसको चेक करना पड़ेगा कि वो कैसे देखने को मिले हैं। ईयर ऑन ईयर रिजल्ट को मिलान करें दोस्तों, तो यहाँ पर इनके रेवेन्यू तकरीबन 18% से हम लोगों ने बढ़ते हुए देखे हैं, वहीं पर नेट प्रॉफिट इनके 40% से बढ़ते हुए हम लोगों ने देख रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इनके रेवेन्यू देखिए दोस्तों, इसमें भी तकरीबन 9% का ग्रोथ देखने को मिला है, वहीं पर नेट प्रॉफिट में भी तकरीबन 9.5% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट रहे हैं वो काफ़ी शानदार रहे हैं, इसमें काफ़ी ग्रोथ देखने को मिला है। अब हम लोग एनुअल रिजल्ट को भी देख लेते हैं वो कैसे आए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एनुअल बेसिस पर इनके सेल्स में तकरीबन 13% से ज़्यादा का ग्रोथ देखने को मिला है, वहीं नेट प्रॉफिट में 44% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा एनुअल रिजल्ट और क्वार्टरली रिजल्ट लेकर के आई है, तो ऐसे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है कि बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट रहे हैं। अब इतना से ही हम लोगों को संतोष नहीं करना होगा दोस्तों, अब थोड़ा सा इसके रिटर्न प्रोफाइल को भी चेक करना पड़ेगा कि पास्ट में ये कंपनी अपने निवेशकों को रिटर्न दी है कि नहीं, तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पिछले एक महीना में ये 15% का रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, ईयर टू डेट 134% का रिटर्न दे चुका है, पिछले एक साल में 400% के आसपास रिटर्न दिया, पिछले तीन साल में 200% का रिटर्न दिया, पिछले पाँच साल में तकरीबन 400% का रिटर्न दिया, पिछले दस साल में 3342%, यानी कि पिछले दस सालों में इसने अपने निवेशकों का पैसा 34 times से ज़्यादा करके लौटाया है। तो इनका रिटर्न तो दोस्तों काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, और अभी हम लोगों ने देखा था कि इसके एनुअल रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिले थे। तो अब क्या करना चाहिए, क्या ये स्टॉक इन स्तरों से ऊपर जा सकता है? तो अभी हम लोगों की एनालिसिस अभी ख़त्म नहीं हुई है, अब हम लोग इसके प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो को चेक करेंगे कि वो कैसे देखने को मिल रहे हैं। मार्केट कैप की बात करें तो ये तकरीबन 27,000 करोड़ देखने को मिल रहा है, वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी अच्छा 30% के आसपास देखने को मिल रहा है, बहुत ही अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40% देखने को मिल रहा है, बहुत ही बेहतरीन है। प्रमोटर्स की होल्डिंग 44.5% ठीक ठाक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखिए दोस्तों, ये 73 times देखने को मिल रहा है, एक बहुत ही बढ़िया है। और डेट इक्विटी की बात करें तो 0.05, यानी कि ये कंपनी के ऊपर बहुत ही नेग्लिजिबल डेट है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इस कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, और हो भी क्यों नहीं,
जब तक इसके फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं रहते तो ये 34 times का रिटर्न अपने निवेशकों को लंबे समय में नहीं दे पाती। तो उसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं कि लास्ट 5 years में ये कंपनी कैसा परफॉर्म किया है। लास्ट 5 years में इसके रेवेन्यू देखिए दोस्तों, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। इसमें लगातार हायर हाई बनता हुआ देखने को मिल रहा है। हायर हाई कहने का मतलब है दोस्तों इसके रेवेन्यू लगातार बढ़ रहे हैं और आप स्क्रीन में इसको साफ साफ देख रहे हैं। तो लास्ट 5 years में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ दिखाया है इस कंपनी ने। अब कंपनी ने अपने सेल्स से नेट प्रॉफिट निकाल पाई है या नहीं उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि इसके नेट प्रॉफिट भी हम लोग देख रहे हैं कि ये लगातार अपना बढ़ाते जा रही है और इसने FY21 में पिछले 5 सालों में सबसे तगड़ा नेट प्रॉफिट निकाला है अपने सेल्स से। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ये 5 साल में काफ़ी अच्छा अपने सेल्स ग्रोथ की है और नेट प्रॉफिट ग्रोथ कर पाई है। अब बैलेंस शीट में इनके बैलेंस बढ़े हैं या नहीं, रिजर्व बढ़े हैं या नहीं उसको देख लेते हैं। ये देखिए इसके जो रिजर्व थे FY17 में मात्र 526 करोड़ देखने को मिल रहे थे, जो कि FY21 आते आते ये 1289 करोड़ हो गया। तो इनके रिजर्व में 2 times से ज़्यादा का जंप देखने को मिल रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं दोस्तों ये कंपनी काफ़ी अच्छा बिजनेस कर पा रही है पिछले 5 साल में और काफ़ी अच्छा नेट प्रॉफिट निकाल पा रही है। इसके रिजर्व भी बढ़ रहे हैं। तो 5 सालों का हिसाब तो हम लोगों ने ले लिया। तो क्या अब हम लोगों को यहीं पर स्टॉप कर देना चाहिए? नहीं, अब हम लोग इसके पिछले 10 सालों का भी रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं कि पिछले 10 साल में ये कंपनी कैसा परफॉर्मेंस दी है। पिछले 10 साल के अगर इनके सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो ये 16% से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। वहीं इनके कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 10 साल में 28% से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। वहीं पर इसके स्टॉक प्राइस के ग्रोथ की बात करें तो ये 43% से हम लोग बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने देखा कि इस कंपनी ने न केवल एनुअल बेसिस पर बल्कि क्वार्टरली बेसिस पर भी अब पिछले 10 सालों से लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। तो हम लोग उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में भी इसकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी। और दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं कि ये आईटी सेक्टर से आने वाली कंपनी है और आईटी सेक्टर में अभी काफ़ी ग्रोथ विजिबिलिटी दिख रही है, ऑर्डर बुक काफ़ी तगड़े देखने को मिल रहे हैं। तो इंडस्ट्री के हिसाब से भी ये अच्छे सेक्टर से ये कंपनी आती है। तो हम लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि आने वाले समय में जिस इंडस्ट्री को ये बिलोंग करती है वो इंडस्ट्री डिग्रोथ में जाने वाला है। तो इसके स्टॉक प्राइस में भी हम लोग डिग्रोथ देखने को मिलेगा, बिजनेस में डिग्रोथ देखने को मिलेगा, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स लेकर के ये कंपनी लगातार आई है और इसके रिजल्ट जो है हमेशा आउटस्टैंडिंग रहे हैं और इस स्टॉक ने काफ़ी फिनोमेनल रैली दिखाया है। तो अब हम लोग इस आधार पर बोल सकते हैं दोस्तों कि आने वाले समय में इस स्टॉक में इन स्तरों से भी तेजी देखने को मिलेगी। और वो तेजी दोस्तों कहाँ तक इस स्टॉक को ले जा सकती है तो उसकी भी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोगों को कुछ सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस ड्रॉ करने होंगे, उसके बाद इसके प्राइस टारगेट पर चर्चा करेंगे कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में कहाँ तक जा सकता है। हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लगा लिया है दोस्तों और जैसा कि हम लोग वीकली चार्ट में देख रहे हैं, ये स्टॉक अपने वीकली चार्ट में 200 days EMA, 100 days EMA और 50 days EMA से काफ़ी ऊपर जा कर के तकरीबन 4300 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। और जिस प्रकार से इसके रिजल्ट रहे हैं पास्ट में और रिसेंट के, उस हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं कि इस स्टॉक के जो Q1 के नतीजे आएंगे वो काफ़ी शानदार देखने को मिल सकते हैं और इसी वजह से इसमें अपटिक देखने को मिल रहा है और ये अपटिक इसमें आगे भी जारी रहेगी, तेजी जारी रहेगी। तो जो इमीडिएट रेसिस्टेंस देखने को मिल रहा है इस स्टॉक में वो तकरीबन 4745, इसे आप नोट डाउन कर लें, 4745। तो 4745 के लेवल पर आकर के इस स्टॉक को काफ़ी रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से ये लगातार आउटस्टैंडिंग
रिजल्ट दे रही है, तो हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही ये स्टॉक इस रेसिस्टेंस को पार करके एक नए टेरिटरी में ये जाने की कोशिश करेगा, और उस टेरिटरी में जाने के बाद इसका जो इमीडिएट टारगेट निकल करके आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए वो 7515, इसे भी आप नोट डाउन कर लें, 7515। तो ये दोस्तों ये काफ़ी एग्रेसिव टारगेट है, ये टारगेट इस स्टॉक में तुरंत नहीं आने वाला है, इसके लिए आप लोगों को काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा और हो सकता है कि एक साल से ज़्यादा भी इंतज़ार करना पड़े। लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 4745 के लेवल को अवश्य छुएगा और इसे तोड़ेगा भी, और लंबे समय में ये स्टॉक 7515 के लेवल पर भी जाने की क्षमता रखता है, ऐसा हम लोग पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों, हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया लेकिन स्टॉक के नाम के बारे में अभी तक हम लोगों ने चर्चा नहीं की है, तो अब मैं बताता हूँ कि ये स्टॉक कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ये स्टॉक टाटा एलेक्सी है, जिसे कि आप सभी भली भांति परिचित हैं, और ये स्टॉक एकदम ब्रेकआउट देने की पोजीशन में है और ये उड़ने वाला है, ये आप तय कर लें, ये जल्द ही इस स्तर से उड़ेगा और 47 के स्तर पर जाने की कोशिश करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये एनालिसिस काफ़ी अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। तो आपकी भी राय टाटा एलेक्सी के ऊपर कुछ है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जा करके जरूर लिखें, और अपनी भी राय टाटा एलेक्सी के बारे में बताएं, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।